नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे मॉर्निंग प्राइम टाइम में। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले बंगाल में सीबीआई की एंट्री हो गई है। ममता के भतीजे और टीएमसी में दूसरे सबसे ताकतवर नेता अभिषेक बैनर्जी आरोपों के घेरे में है। अभिषेक बैनर्जी की पत्नी रुजिरा और रुजिरा की बहन को कल सीबीआई ने कोयला तस्करी रैकेट के मामले में पूछताछ का नोटिस भेज दिया। आरोप ये लग रहे हैं कि अभिषेक के परिवार की कई कंपनीज के जरिए कोयला तस्करी की रकम की बंदरबांट हुई। बीजेपी पहले ही ये कहती रही है कि बंगाल में सरकार नहीं, दीदी और भतीजे की प्राइवेट कंपनी चल रही है, लेकिन ताजा आरोपों से उसके वार और धारदार हो गए। टीएमसी का दावा है कि आरोपों और एफआईआर का यह सारा खेल सिर्फ सियासी है, और इन सब के बीच प्रधानमंत्री का आज तीसरा बंगाल दौरा है। तो आज सुबह की चर्चा होगी इसी पर। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले जरा देखिए किस तरह के बयान सामने आए। दिल्ली कोनो कोनो नेता बांगाली देर मेरुदंड की करे भेंगे दी है, आम्रा जानी। आमी बोली आसुन ना एकटू चेष्टा करे देखुन ना। अनेक बार तो भेंगे देवार चेष्टा करेछेन, आजो करछेन। आपनादेर धमकानी चमकानी आर जेल टेल देखिए प्लीज आमादेर भय देखाबेन ना। आमादेर मेरुदंड भेंगे देवा अत सहज नय। बंगाल की जनता ने तय कर लिया है कि ममता जी को हटाना और भारतीय जनता पार्टी को लाना, पर ये एक इंसिडेंट ऐसा हो गया जिसको लेकर ये आरोप लग रहे हैं कि केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार का इससे कुछ लेना देना ही नहीं, ये जांच आज की नहीं है। पहले इनकी पार्टी के लोगों ने मुझे कागजात दिए थे, वो कागजात मैंने सीबीआई में भी सबमिट किए और उसके बाद सीबीआई ने जांच की। मेरा कुछ नहीं है इसमें, दखलदारी का करने का कोई सवाल ही नहीं है। सीबीआई एक ऑटोनोमस बॉडी है, एक अनुशासित बॉडी है, उसका काम करने देना चाहिए। लेकिन हम लोग का ये देखिए, यहाँ से सबको मालूम है एक कुल स्मगलिंग, सैंड स्मगलिंग, स्टोन स्मगलिंग और गाऊ तस्करी, गाय का तस्करी, इस सभी में गोलाबाज भाई को और उसकी एसोसिएट सब जुड़ा हुआ है, ये सबका मालूम है। तो हाथे एजेंसी गुलो आछे जारा जादेर कोरा चोर बोले छिलो, जादेर भाग बोले छिलो, तादेरी तो देखछी ओदेर मंत्रीदेर पाशापाशी घुरे बेड़ाच्छे। ता मानुष सीबीआई बोलुन, ईडी बोलुन, इनकम टैक्स बोलुन, एगुलो सबाई जेने गेछे, एगुलो आर निरपेक्ष बोले किछु नहीं, एगुलो सब बीजेपीर अफिस होये गेछे। तमाम खास मेहमान चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी से प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ आ गए हैं, जितेंद्र तिवारी जी मौजूद हैं, आप टीएमसी के प्रवक्ता हैं, संजीव उनियाल जी आ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और विवेक श्रीवास्तव जी लेफ्ट पार्टी से हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। शुरुआत में जितेंद्र तिवारी जी आपके साथ करना चाहूंगी, समन हुआ है सीबीआई का, आरोप अपनी जगह, लेकिन समन पर पेश होंगे अभिषेक बैनर्जी की पत्नी और उनकी साली? आपको आवाज मिल रही है जितेंद्र जी? जी जी जी, समन पर पेश होंगे? जितेंद्र जरा बताइए, आपको आवाज पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, रिप्लाई करिए। चलिए जितेंद्र जी के पास हम फिर चलेंगे, लेकिन प्रेम शुक्ला जी, जी ठीक है, बोलिए जितेंद्र जी, समन पर रुजिरा पेश होंगी? ये तो उनका वो खुद निर्णय लेगी, ये वो खुद निर्णय लेगी। कानून के सारे प्रावधान उनके पास खुले हैं और कानून का अनुपालन जिस ढंग से किया जाता है उस ढंग से कानून का अनुपालन वो करेंगे। ये उनका वो ये निर्णय उन पर ही छोड़ दिया जाए बेहतर है। नहीं, लेकिन अगर जिस तरह के तमाम मैं आपके पार्टी के नेताओं के ट्वीट्स देख रही थी, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी हेडक्वार्टर से सीबीआई चल रही है, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब अगर कुछ गलत नहीं किया है तो फिर डर किस बात का है? पेश होने को लेकर ये जवाब कि वो तय करेंगे, वो सोचेंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे, कानून की प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं करेंगे? वो बिल्कुल सही है, लेकिन आप जब चुनाव में आप हमारा मुकाबला नहीं कर पाते तो बंगाल की बहू बेटी तक भी आप पहुंच जाते हैं। ऐसी ओछी आपकी सोच है और एक तरह से आप रुजिना के माध्यम से बंगाल की बहू बेटियों का भी अपमान करने में पीछे नहीं हटते। ये आपकी दयनीयता को दर्शाता है कि आप नहीं है, आप सक्षम नहीं है, आप बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है, आप दीदी का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। ऐसी क्रूरता बंगाल के बहु बेटियों के प्रति ये ठीक नहीं है। बंगाल की जनता इसका जवाब देगी, आने वाले दिनों में बंगाल की जनता इसका जवाब देगी। मुकुल राय के बारे में आपका स्टैंड अलग है, येदुरप्पा के बारे में आपका स्टैंड अलग है,
रेड्डी ब्रदर्स के बारे में आपका स्टैंड अलग है, हेमंत बिश्व शर्मा के बारे में आपका स्टैंड अलग है, लेकिन बंगाल में जब आप ममता बनर्जी से मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं तो घर की बहू बेटियों तक आप पहुंच जा रहे हैं। इतनी निर्ममता क्यों? सत्ता का इतना भूख आपको क्यों सता रहा है? क्यों आपको हर हालत में बंगाल चाहिए? अरे भाई, लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप आइए, बंगाल की जनता आपको यदि पसंद करेगी आपके हाथों में सत्ता देगी, बंगाल की जनता आपको पसंद नहीं करेगी। शुक्ला जी, आरोप बड़ा है और ममता बनर्जी तो ये तक कह चुकी हैं कि केंद्र में बाकी साथी तो साथ छोड़ गए, अब सीबीआई ही आपकी इकलौती साथी है केंद्र में। देखिए, साफ तौर पर बौखलाहट प्रकट हो रही है, टीएमसी की, ममता बनर्जी की, टीएमसी के कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की बौखलाहट है। भाई, चुनाव में जनता किसका साथ देगी नहीं देगी ये जनता को तय करना है, लेकिन आप यदि किसी आपराधिक कृत्य में शामिल है, उसके प्रथम दृष्टया प्रमाण है, तो सीबीआई उसका जांच नहीं करे? इसे बहु बेटियों को मामला कहां से आ गया? बहु बेटियां स्मगलिंग करें तो बहु बेटियों के खिलाफ जो है तस्करी प्रेम शुक्ला जी, आरोप ये है, प्रेम शुक्ला जी आरोप सुनिए, आरोप ये है कि जब संबंध खराब होते हैं बीजेपी के साथ किसी के और जब चुनाव करीब होते हैं तो उस समय अचानक से सीबीआई, ईडी, इस तरह की सेंट्रल एजेंसीज जो है वो एक्टिव हो जाती हैं। ऐसा महाराष्ट्र में दिखाई दिया और अब एंट्री पश्चिम बंगाल में हो गई है। आरोप ये है, निराधार आरोप है मीनाक्षी जी। जब किसी भी अपराधी के खिलाफ कार्रवाई होती है, दाऊद इब्राहिम भी कहता है कि मेरे खिलाफ राजनीति से, अरे बंगाल की बहु बेटियों का आप दाऊद इब्राहिम, अभिषेक बनर्जी की पत्नी की तुलना आप दाऊद इब्राहिम से कर रहे हैं क्या? ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं। आप हेम शुक्ला जी, तुलना कैसी है? अपमान कर रहे हैं भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी की तुलना बंगाल की बहु नहीं। एक सेकंड, एक सेकंड, हेम शुक्ला जी, दाऊद इब्राहिम से, भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी से आप तुलना कर रहे हैं? अरे भाई, अपराधी अपराधी है, अभी साबित हो गया अपराधी है, अपराध साबित हो गया क्या? कोर्ट में कोर्ट में ट्रायल चला क्या? चार्जशीट फाइल हुई क्या? सारे मामले अभी साबित नहीं हुए। दाऊद इब्राहिम पर भी पहला मामला तत्काल साबित हो गया था क्या? आपने बाद दुर्गा को नहीं छोड़ा तो आप उसकी एक प्रक्रिया ये आपराधिक जिनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई होती है, हर अपराधी स्वयं को निर्दोष साबित करने के लिए अपने खिलाफ ही कार्रवाई पर जांच एजेंसी पर आरोप उछालता है। आप तो आतंकवादी का नाम लेकर आ रहे हैं, मैं आतंकवादी का नाम नहीं ले रही, मैं तो आपसे ये पूछ रही हूँ कि मुकुल रॉय के ऊपर बीजेपी के नेताओं ने बड़े आरोप लगाए थे और आज मुकुल रॉय ही आपकी पार्टी में शामिल है, एकदम पाक साफ, उसके बाद कोई बात नहीं, बीजेपी में शामिल होने के बाद सब लोग पाक साफ हो जाते हैं? मुकुल रॉय कानून का सामना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नहीं नहीं, आप बंगाल की महिलाओं को आतंकवादी कहेंगे? वो भी हमारा बंगाल की बहु बेटियों को आतंकवादी कहेंगे? तिवारी जी, जवाब दीजिए। मैं कहता हूँ ये बहुत घृणित कार्य है, बंगाल की बहु बेटियों की तुलना आतंकवादी से करना, इसका जवाब आने वाले दिनों में तुलना करते हैं, बंगाल की बहु बेटियों का सम्मान आप नहीं कर सकते, इसका जवाब आपको मिलेगा। बंगाल की बहु बेटियों का सम्मान आप नहीं कर सकते, बंगाल की बहु बेटियों का सम्मान आप नहीं कर सकते, परिवार के खिलाफ इतना नीचे गिर सकते हैं, इतना नीचे गिर सकते हैं कि हमने सोचा भी नहीं था इतना नीचे गिर सकते हैं। चुनाव के लिए, केवल सत्ता के लिए, केवल ममता बनर्जी का परिवार संजीव उनियाल जी चर्चा में आइए। देखिए, ये परिस्थिति है संजीव उनियाल जी, चुनाव से पहले जिस तरह की निजी कटुता दिखाई दे रही है, चाहे वो चैनल्स पर होने वाली डिबेट हो, चाहे वो बड़े बड़े नेताओं की रैलियां हो, ये निजी कटुता कहां लेकर जाएगी देश के संघीय ढांचे को? देखिए, वास्तव में ये जो एफआईआर हुई थी ये सेंट्रल एजेंसी ने नवम्बर में की थी, आज 90 दिन होने को आ रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। और आपको एक बात और पता होनी चाहिए, ये लोग क्यों इमोशनल टच दे रहे हैं इसको, अगर बहन बेटियां राज कर सकती हैं, दीदी राज कर सकती हैं, दीदी भाई कोतवाल तो डर का आएगा, एफआईआर का समन जाता है और समन लेने के बाद शाम तक फोन नंबर देने के लिए कहा जाता है, कोई रिस्पॉन्ड नहीं आता। और ये लोग शोर क्यों नहीं बचा पा रहे हैं पता है? क्योंकि 12 फरवरी को कोलकाता हाई कोर्ट ने इनको क्लियर कट वर्डिक्ट दिया था सीबीआई को कि यू कैन गो फॉर इन्वेस्टिगेशन, आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, चाहे किसी की बहन यहाँ पर चीफ मिनिस्टर हो, चाहे किसी का कोई साला यहाँ पर काम कर रहा हो, कोई किसी का भतीजा यहाँ पर जो है एमपी हो, पर आप समन दे सकते हैं। हाईकोर्ट ने कहा मां बहनों का अपमान करने के लिए कहा, हाईकोर्ट में हुआ है, हाईकोर्ट ने मां बहनों का अपमान करने को कहा, आपको 12 फरवरी को हाईकोर्ट ने बंगाल की मां बहनों का अपमान करने का अधिकार दिया आपको, सीबीआई ने परमिशन, हाईकोर्ट ने आपको बंगाल की मां बहनों का अपमान करने का मौका दिया। अरे अरे, कोयले के दलाली में मुंह काला,
इसे कहते हैं कोयले की दलाली में मुंह काला। आपने जानबूझकर हाई कोर्ट ने आपको ये आदेश दिया कि बंगाल की मां बहनों का अपमान कर रहे हैं आप। जब ये बहनें फंसेंगी तो हम कहेंगे बंगाल की मां बहनों का अपमान कर रहे हैं। लेकिन दो अहम बातें यहां पर हैं, दो अहम बातें यहां पर हैं। जब तक आरोप साबित नहीं तब तक कोई अपराधी कैसे, और दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर कुछ गलत नहीं किया तो फिर कानूनी प्रक्रिया से डर कैसा? विवेक जी आपको इसका जवाब मिल जाएगा, आपको जवाब मिलेगा। आने दीजिए इसका जवाब मिलेगा। जो जिनके पति मर गए, जिनके बहनें, ठीक है संजीव जी आपका पॉइंट पहले लिया, आप उनको बोलने दीजिए। विवेक श्रीवास्तव बोलिए प्लीज। बहन बेटियों के रखवालों, ठीक है एक सेकंड बोलिए। अरे सोनिया शांत हो जाइए, सुनिए मेरी बात। मैं टीएमसी का समर्थक नहीं हूँ, घोर विरोधी हूँ, ममता बनर्जी का भी, तृणमूल कांग्रेस का भी, और पंचायत करना फिर अभी अगले ही साल में सेम ब्रेथ, ठीक है उसी संजीव जी आपने रखा ना उनको बोल दीजिए, वो अब उनका उनका नंबर है बोलने का, बोलिए करके सुनिए और बेके करके उनको सपोर्ट करिए, उनको सपोर्ट करिए, उनको सपोर्ट हमारा अपना स्टैंड है। करोगे अरे दोगलो अभी सपोर्ट करोगे, ठीक है संजीव जी प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज बोलिए विवेक जी बोलिए बोलिए। क्या है कि बोलिए पंचायती चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने हमारे कार्यकर्ताओं को पर्चा तक नहीं भरने दिया, बहुतों ने जान भी गंवाई, साथ हो खिलाफ हम लड़ेंगे और लड़ रहे हैं, कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात में समर्थन नहीं, आप सम्मान डालिए सीबीआई का, बहुत अच्छी बात है, कोई अगर रूल तोड़ा पकड़ा जाना चाहिए चीज है, लेकिन सबसे बड़ी आपकी जो टाइमिंग होती है ज्यादा, आपकी टाइमिंग हर बार इतना संदेह में क्यों आती है? दूसरा ममता के साथ कोई नहीं है, शब्दों का चयन आप बताओ ना किसके साथ हो, आज इतने बड़े चैनल पर आप बताओ किसके साथ हो, आप के साथ हो, आप ममता के साथ हो या नहीं हो? जिन्होंने तुम्हारे शासन को उखाड़ कर फेंक दिया आज तुम ममता के साथ खड़े हो, कि कांग्रेस और लेफ्ट मिलकर के ममता के खिलाफ लड़ रहा है। ठीक है आप कांग्रेस का जिक्र कर रहे हैं, नहीं एक सेकंड वो अपनी जगह एक सेकंड विवेक जी आप कांग्रेस का जिक्र कर रहे हैं, आप उनके साथ जो है चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, कहाँ है गांधी परिवार? ना तो राहुल गांधी अब तक बंगाल आए, ना तो प्रियंका गांधी अब तक बंगाल आई, बीजेपी के बड़े नेता कम से कम जमीन पर दिखाई तो दे रहे हैं, जिनके साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं वो कहाँ है, जमीन से गायब है? हाँ मैं बता देता हूँ आपको, ये लेफ्ट की राजनीति व्यक्तिवाद के ऊपर नहीं चलती है, अभी बिहार का चुनाव भी हुआ था, जमीन तो कहीं रहेगी राजनीति, गठबंधन तो आपका फिर उन्हीं के साथ है जिन पर आप व्यक्तिवाद का आरोप लगा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से दल रह गया क्या सरकार बिहार में बनाई है, लेकिन उन्हीं का दामन थाम के सर चुनाव लड़ रहे हैं आप, उन्हीं का दामन थाम के आप चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए बीजेपी अगर वहां पे जा करके दूसरे दलों को सीबीआई और ईडी की धमकी दे करके पैसा दे करके मुख्यमंत्री पद का लालच दे करके रिप्लाई करिए, फिर ब्रेक का वक्त हो रहा है। बड़ा आरोप उनका ये कि आप डरा धमका के लोगों को अपने दल में शामिल कर रहे हैं, इशारा लेकर बाकी शिवेंदु अधिकारी से लेकर बाकी नेताओं पर है, भारतीय जनता पार्टी के विचारों नीतियों को कार्यक्रमों को स्वीकार करके लोग आते हैं, कम्युनिस्टों की तरह दुनिया में हिंसा फैला के, हम जो है रक्तपात करने वाले रक्त पिशाच नहीं है, हम जो है वैचारिक दर्शन वाले एक दल है, कम्युनिस्ट जो है रक्त पिशाच है, उन्होंने 50,000 जदयू लोगों की हत्या बंगाल में की, और आज तृणमूल कांग्रेस पार्टी उन्हीं रक्त पिशाचों के मार्ग पर चल रही है, रक्तपात कर रही है, निर्दोषों की हत्याएं करवा रही है, अपने राजनीतिक विरोधियों की हत्या कराती है, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र, ठीक है इस पर जवाब देंगे, ठीक है इस पर जवाब देंगे तिवारी जी भी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना पड़ रहा है, फौरन लौट रहे हैं प्रधानमंत्री। आज सुबह की चर्चा में एक बार फिर आपका स्वागत है। बंगाल की चुनावी जंग में नेताओं ने देवी देवताओं का भी जमकर सहारा लिया। टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी का सीता पर विवादित बयान हो, जय श्री राम का नारा हो, दुर्गा पूजा को लेकर घमासान हो, या फिर सरस्वती पूजा की होड़, सियासत के केंद्र में भगवान है। आज इसमें माँ काली का नाम भी जुड़ रहा है, क्योंकि कोलकाता मेट्रो अब कालीघाट मंदिर और दक्षिणेश्वर मंदिर को भी जोड़ेगी। पीएम मोदी आज मेट्रो एक्सटेंशन का उद्घाटन करेंगे। कालीघाट मंदिर को लेकर प्रधानमंत्री ने कुछ इसे लेकर अपने कार्यक्रमों की आज के दिन की जानकारी भी दी, ट्वीट उन्होंने किया, उनका ट्वीट आपको हम दिखा रहे हैं। हुगली से नोआपाड़ा मेट्रो के दक्षिणेश्वर तक एक्सटेंशन का आज उद्घाटन होगा। ये प्रोजेक्ट बेहद खास है, क्योंकि इससे कालीघाट और दक्षिणेश्वर मंदिरों तक पहुँच
आसान हो जाएगी। ये दोनों मंदिर भारत की महान सभ्यता के जीवंत उदाहरण हैं। तो तमाम मेहमान हमारे साथ चर्चा में लगातार जुड़े हुए हैं। जितेंद्र तिवारी जी, ये ट्वीट हमने दिखाया, प्रधानमंत्री आज हुगली में होंगे, रैली को भी संबोधित करेंगे, लेकिन दिलचस्प ये है, स्ट्रैटेजिस्ट ये बता रहे हैं, सोर्सेज से खबर ये मिल रही है कि हुगली क्यों चुना गया है, क्योंकि हुगली में बड़ी टायर फैक्ट्री, जो न सिर्फ देश की बड़ी टायर फैक्ट्री थी बल्कि पूरे एशिया की, डनलॉप फैक्ट्री 2014 में बंद हो गई थी। आइकॉनिक एम्बेसडर कार बनाने वाली हिंदुस्तान मोटर्स की भी का जो प्लांट था हुगली के उत्तरपाड़ा में 2014 में, लॉसेस के बाद वो भी बंद हो गया था। संदेश यहां से बड़ा होगा, विकास को लेकर क्या काम किया है ममता सरकार ने, और जब प्रधानमंत्री आज उस केंद्र में होंगे तो निशाना तो सीधे टीएमसी पर ही होगा, ममता सरकार पर ही होगा। जितेंद्र तिवारी जी, आप सुन पा रहे हैं? जितेंद्र तिवारी जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए हम फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, देखिए जिक्र तो वही है, वो बार बार यही बात तो कहते हैं कि जिस तरह की टर्म्स का इस्तेमाल होता है, जिस तरह के नारे कॉइन किए जाते हैं, कोशिश ध्रुवीकरण की। प्रेम शुक्ला जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए जैसे ही प्रेम शुक्ला जी और जितेंद्र जी को आवाज मिलेगी तो आप बताइएगा, हम फिर उसके बाद उनके पास सवाल लेकर जाएंगे। संजीव उनियाल जी, सवाल मेरा आपसे, यहां पर तस्वीर जो उभर कर दिखाई देती है, जिस तरह से बीजेपी जिस जोर शोर से काम कर रही है, चाहे केंद्रीय नेताओं की फौज वहां पर हो, लेकिन उससे अलग एक मदद आरएसएस से भी जरूर मिलती है, एक एडवांटेज तो जरूर ये है ही। हम देख रहे हैं कि मोहन भागवत मुलाकात करते हैं मिथुन चक्रवर्ती से, जो एक बाकी जो समाज का वहां पर हिस्सा है, ये भी कहीं ना कहीं एक एक अलग लेवल की बैकिंग बीजेपी को दे रहा है बंगाल में अपनी जमीन और मजबूत करने के लिए। इस कांडपल हमारा जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक अपना दृष्टिकोण रहता है, राजनीति से अलग रहते हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन पावन संगठन है, नहीं लेकिन ये फायदा किसी और दल के पास नहीं है ना। हाँ, तो बहुत बार सत्संग में चालक जी ने कहा, अगर कोई दल आगे हमारी आइडियोलॉजी से मैच करता है तो हम इनके साथ खड़े हो जाएंगे। हमारी आइडियोलॉजी से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आइडियोलॉजी से, राष्ट्रवाद की, देश की मिट्टी की से सोगी सोगी स्मेल ढूंढने की, योगा की, चाय की, जो इनका टूल किट जिससे दूर भागता है, ये कम्युनिस्टों की जो एंटी डाइसेक्शन की पॉलिसी है, देश को बांटना, लगातार एक नरेटिव ऐसा क्रिएट करना, इस तरह की जो आइडियोलॉजी के साथ जो पार्टी हमारे करीब है हम उसके साथ खड़े हैं, परंतु डायरेक्टली हमारे वर्कर किसी भी तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वर्कर, भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स के साथ बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं रहते। हमारी अपनी आइडियोलॉजी चलती है, हमारी अपनी एक शाखाएं चलती है, हमारा सिंधु परिषद के नाते हमारे बहुत सारे संगठन है, तो हमारी जो पॉलिटिकल विंग जो सबसे करीबी विचारधारा हमारे साथ विचारधारा रखती है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक उनके साथ कार्य करते हैं। अगर अब मैं आपसे एक बात करूं, जब भी कोई राष्ट्रवाद की बात होगी, देशभक्ति की बात होगी, वंदे मातरम की बात होगी, योगा की बात होगी, आइडियोलॉजी की बात होगी, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 94 वर्ष का पुराना इतिहास ये बता देता है कि हाँ, ये वो संगठन है। नहीं, लेकिन यही तो सवाल था संजीव जी, यही तो सवाल था, ये बात किससे छिपी थोड़ा ना है संजीव जी, परंतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संजीव जी, यही तो सवाल था कि ये एडवांटेज तो बीजेपी के पास है ना, जो बाकी दलों के पास ये एडवांटेज नहीं है। खैर, जितेंद्र तिवारी जी, मेरा सवाल आपसे ये था, जितेंद्र जी आगे हमारे साथ, मेरा सवाल सर आपसे ये था, प्रधानमंत्री आज हुगली में मौजूद होंगे और उस हुगली से रैली करेंगे वो, जहां पर इंडस्ट्रियल उत्पादन को जो नुकसान हुआ है प्रहार उस पर होगा, डनलॉप की टायर फैक्ट्री बंद हुई, एम्बेसडर कार की जो फैक्ट्री वहां पर थी हिंदुस्तान मोटर्स की वो बंद हुई। देखिए देखिए, केंद्र सरकार की हेवी इंडस्ट्री को लेकर जो नीतियां हैं, उन नीतियों का ये परिणाम है कि एक के बाद एक फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। और सरकार को जो काम करना चाहिए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जिंदा रहे, पब्लिक सेक्टर यूनिट को प्राइवेट हाथों में न भेजा जाए, इसके लिए केंद्र सरकार को जो भूमिका करनी चाहिए उसका पालन नहीं हो रहा है। आप देख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि केंद्र योजनाएं नहीं लेकर आ रहा, लेकिन केंद्र की योजनाएं तो ममता जी वहां पर लागू ही नहीं करती है ना। परेशानी तो ये भी है जितेंद्र तिवारी जी, नफरत का आलम तो ये है
कि जो केंद्र की योजनाएं हैं, जिसका जिसका फायदा किसानों को मिलना चाहिए, आम लोगों को मिलना चाहिए, वो आप लोग लागू ही नहीं करते हैं। 20 लाख किसानों का लिस्ट ऑलरेडी भेज दिया गया, 20 लाख किसानों का लिस्ट ऑलरेडी भेज दिया गया, आज तक उनके अकाउंट में पैसा नहीं दिया गया। 20 लाख किसानों का दो महीने पहले। अरे आप शब्दों का प्रयोग ना करें, अपने उम्र का क्या कीजिए। जी प्लीज, एक सेकंड रुकिए, आपका पॉइंट मैं ले लिया, एक बार मुझे बोलने दीजिए। आप मूर्ख, आप महापुरुष। ठीक है संजीव जी, प्लीज प्लीज, आप महापुरुष बात करेंगे तभी। नहीं, जब मैं आपके पास आऊंगी सवाल लेकर तब बोलिएगा। जितेंद्र जी बोलेंगे, बोलिए जितेंद्र जी। बैठिए संजीव जी प्लीज, सुबह का वक्त है, लोग घरों में बैठ के आप सबको सुन रहे हैं, प्लीज थोड़ा संयम बरतिए। देखिए मैं उनसे कहूँ, नहीं अगर ऐसे सब लोग बोलेंगे तो देखिए ये कोई डिबेट की गरिमा नहीं है, सब एक साथ बोलेंगे, किसी की आवाज नहीं सुनाई देगी, कोई कुछ नहीं समझ पाएगा, मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ आप क्या बोल रहे हैं। प्लीज संजीव जी प्लीज बोलिए जी। मैं उनके उनके बारे में कहूँ कि हमारे समाज की जो अवधारणा थी, यत्र नारियस्तु पूज्यते रमयन्ते तत्र देवता, नारी की पूजा की जाती थी, आज उसी आज उसकी नारी की क्या ये हालत कर रही है, सारे भारत के लोग देख रहे हैं। जहां तक है भी आप बोलने तो दे, आप बोलने तो दे। संजीव जी देखिए, मुझे मजबूरन से थोड़ा आपका ऑडियो लो करना पड़ेगा, प्लीज आप देखिए मेरी बात नहीं मान रहे हैं, क्योंकि हम मुझे सभी पैनलिस्ट की बात सुननी है। प्लीज संजीव जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बोलिए। जहां तक किसान निधि की बात है, आज से करीब दो महीने पहले 20 लाख किसानों के नाम की सूची विथ वेरिफिकेशन केंद्रीय सरकार के पास भेज दी गई। ये बार बार कहते हैं कि हम देना चाहते हैं, लेकिन आज तक एक भी किसान के अकाउंट में पैसा नहीं आया। ये केवल कहना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि हम आपके लिए कुछ करेंगे, लेकिन कुछ करना नहीं चाहते। इनकी मंशा में खोट है और केवल बंगाल में ये दिखाना चाहते हैं। मंशा तो आपके भी वित्त मंत्री के ऊपर, उनकी भी मंशा पर सवाल उठेंगे ना, वो तो बजट सेशन के दौरान झूठा बयान दे देते हैं किसानों को लेकर, कि बंगाल में किसानों की आय को लेकर जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है उसका वो भी तो आपको ध्यान होगा ना सर, तो फिर तो आपकी मंशा पर भी सवाल उठेंगे। नहीं, हमारी मंशा पर कैसे, हम जो कहते हैं वो करते हैं। ममता बनर्जी सर, उन्होंने बजट सेशन के दौरान किसानों की आय को लेकर गलत आंकड़ा दिया, बंगाल की जनता को गुमराह किया। जी जी बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है प्रेम शुक्ला जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तथ्यों की भारतीय जनता पार्टी नहीं, आप सर तथ्य चेक करिएगा, मैं आपको बता रही हूँ कि उन्होंने बंगाल उन्होंने बजट सेशन के दौरान जो स्टेटमेंट दिया था, आंकड़ा दिया था किसानों की आय को लेकर, जो आंकड़ा उन्होंने दिया बंगाल में, उतना पूरा देश में भी एवरेज नहीं है। प्रेम शुक्ला जी, सवाल यह है कि आज प्रधानमंत्री जब मौजूद होंगे, आप लोग आरोप तो लगा रहे हैं ममता बनर्जी के ऊपर तमाम, लेकिन ममता बनर्जी की टक्कर का आपके पास कौन सा नेता है? देखिए ये प्रश्न तो बहुत दिनों से लोग महाराष्ट्र में पूछते थे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी वहां शरद पवार से बेहतरीन प्रदर्शन करने में कामयाब रहे। हरियाणा मनोहर लाल खट्टर और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, 2017 के पहले लोग पूछते थे अखिलेश सिंह यादव की टक्कर में कौन है, लेकिन वहां किस तरह से आज योगी आदित्यनाथ जी के समक्ष ना तो मायावती टिकती है ना अखिलेश यादव टिकते हैं। तो इस तरह से व्यक्तित्व, जो भारतीय जनता पार्टी कोई वंशवादी पार्टी तो है नहीं, कि अब ममता बनर्जी आ गए तो अभिषेक बनर्जी के अलावा कोई नेता ही नहीं बन पाएगा। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की नीतियों की कार्यक्रमों के आधार पर चलने वाला एक लोकतांत्रिक दल है। हमारे यहाँ योग्य नेताओं के बेटे चुनाव कराएंगे तो विधायक दल जो है अपना योग्य नेता चुनेगा और वो ममता बनर्जी से बेहतर परफॉर्मेंस करेगा। रक्तपात नहीं होगा, अराजकता नहीं होगी, लोकतंत्र का पालन होगा। नहीं तो कौन सा नेता चुना जाएगा, जो टीएमसी से आए वही नेता चुने जाएंगे क्या? आपके टीएमसी में सेंध लगा के जिनको लाया गया उन्हीं को चुना जाएगा क्या? ममता बनर्जी स्वयं जो है रेल मंत्री थी, रेल की उतनी परियोजना जितना आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में रेल की परियोजनाएं साकार हो रही है पश्चिम बंगाल में, स्वयं ममता बनर्जी रेल मंत्रालय की प्रभारी थी, क्या इस तरह की परियोजनाएं आ पाई? उन सारी परियोजनाओं का पैसा रोक दिया गया। ममता बनर्जी ने बंगाल के लिए पैसा रोक दिया गया, नीतियां नहीं करती है। ठीक है, अरे टोलेबाज शांत हो जाओ, जो अभी टीएमसी और बीजेपी की तरफ से बोला जा रहा है उनकी तो अपनी रणनीति तैयार है, बीजेपी की बड़े नेताओं की फौज जमीन पर काम कर रही है, लेकिन सवाल फिर आपसे वही कि आपके नेता कहाँ पर हैं? अगर बराबरी की लड़ाई की बात हो रही है, आपके पास कौन सा राष्ट्रीय नेता? उनके पास ममता बनर्जी है, दूसरे दल के पास जेपी नड्डा से लेकर अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री तक उनके ब्रांड एम्बेसडर है, आपके कौन है ब्रांड एम्बेसडर? हमारे यहाँ भी बहुत से ब्रांड एम्बेसडर हैं, कुछ नाम गिनाइए सर। अभी किसान संगठन किसान आंदोलन जब चल रहा था, विवेक जी कुछ नाम गिनाइए, सुने नहीं, आप सुनते रहिए। अभी जब किसान आंदोलन चल रहा था तो मीडिया ने आरोप लगाया साहब लेफ्ट की बैकिंग है, यहाँ तो लाल लाल झंडे आ रहे हैं, बॉर्डर सील कर दिया ऑल इंडिया किसान सभा ने, आप ही लोगों ने कहा था। तो उसी प्रकार से लेफ्ट की राजनीति, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, हमारे बहुत से फ्रंट हैं, वो बहुत स्ट्रांग है।
कुछ नाम गिनाइए सर राष्ट्रीय स्तर पर, अभी कुछ समय बाद तो वहाँ पर योगी आदित्यनाथ भी पहुँच जाएंगे, केंद्र से स्मृति ईरानी वहाँ चली जाएंगी, आपके पास कौन सा बड़ा ऐसा नेता है जो राष्ट्रीय स्तर की अपील रखता हो? और बीजेपी कोई राष्ट्रीय स्तर की अपील नहीं है, अभी जब कुश्ती होगी ना, ये इम्पोर्टेड तृणमूल कांग्रेस के नेता जो बीजेपी में है, जब मुकुल रॉय, दिलीप घोष और ये क्या नाम इनका, शुभेंदु अधिकारी, क्योंकि सबको लालच दिया गया है, मुख्यमंत्री का है नहीं, इनका प्रभाव है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, बंगाली कांग्रेस जो है, आप तो चीयर लीडर हैं, राजनीति समझता नहीं है, कांग्रेस पार्टी के आगे पीछे जो है आप और पूंजीपतियों के पैसा लेकर के रैलियों में डाल देते हैं। संजीव जी, ठीक है, संजीव उनियाल जी, देखिए अब एक थोड़ा बड़ी तस्वीर की बात करते हैं। चुनाव नजदीक आ रहा है और जिस तरह की कटुता इस वक्त नफरत जमीन पर दिखाई देती है, चुनावी हिंसा एक तरफ, लेकिन अगर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री राज्य की एक दूसरे का चेहरा नहीं देखेंगे, एक संवाद नहीं होगा, देश के संघीय ढांचे को यह कितना बड़ा नुकसान है, योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कितना बड़ा नुकसान है, ये नुकसान जनता का है और उसके लिए सभी दल बराबर के जिम्मेदार हैं। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, बहुत अच्छी बात कही आपने। वास्तव में ये यूनियन टेरिटरीज है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को देखा जाए तो उस देश का एक इतिहास है हमारा, आज सबसे बड़ा लोकतंत्र है। परंतु जब पिछली बार आपको ध्यान होगा, सुभाष चंद्र बोस की जब जयंती मनाई जा रही थी, तो प्रधानमंत्री जी की प्रेजेंस में इनकी नेत्री जो है जय श्री राम का नारा सुनते ही स्टेज छोड़कर भाग गई। किस तरह की उनकी मेंटेलिटी है, क्या लेवल है उनका, सरकारी कार्यक्रम है, कार्यक्रम की गरिमा होनी चाहिए जिससे उन्हें आपत्ति हुई। खैर, समय मेरे पास इतना ही था, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रधानमंत्री के दौरे पर नजर हमारी आगे भी बनी रहेगी, वक्त एक ब्रेक का है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूँ अंजना ओमकश्यप, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।